लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। शनिवार को नागरिक अस्पताल में हरियाणा स्टाफ नर्सिंग एसोसिएशन ने बैठक की और अपनी मांगों को लेकर चर्चा की। इस मौके पर सभी जिलों से नर्स एसोसिएशन की प्रधान ने बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपना 17 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को सौंपने की बात कही। आज नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग है और इसमें हर प्रत्येक जिला की जो प्रधान सेक्रेटरी चुने हुए पदाधिकारी हमारे शामिल हुए हैं। छठे पे कमीशन में सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया था और जो हमारा ग्रेड पे और जो हमारी बेसिक दोनों दिल्ली के समान नहीं है, सेंटर के समान नहीं है, उनमें भारी विसंगति है। कम से कम भी 7,000 का तो बेसिक में और 400 रुपये का ग्रेड पे में अंतर है। तो एक तो ये है कि वो पिछली जो वेतन विसंगति है हमारी वो दूर की जाए और उसको दूर करते हुए केंद्र के नर्सिज के समान हमारा जो 7वां पे कमीशन हमारे पर लागू किया। हमारे साथ 50% स्टाफ RCH का लगा हुआ है जिनकी जॉब की कोई गारंटी नहीं है। हर साल हर 6 महीने बाद वो सिसकते हैं तो हमें दर्द होता है, तकलीफ़ होती है कि वो भी रेगुलर होनी चाहिए। उनका समान काम है, समान रिस्क में वो काम करती हैं तो उनको समान वेतन का हक है और उनका उनको रेगुलर किया जाए। बहुत सारी पोस्ट हरियाणा में खाली पड़ी हैं। ये भी फरीदाबाद में देख लो, अभी ये बता रहे हैं कि सिर्फ 14 नर्सिस के दंपर हॉस्पिटल चल रहा है, 70 की पोस्ट है और ऐसे ही हिसार में है, भिवानी है, सभी जगह पोस्टें खाली पड़ी हैं। और दूसरी तरफ डिप्लोमा लेकर लड़कियां दर बदर प्राइवेट हॉस्पिटलों में 4,000 में 5,000 में नौकरी करने पर विवश है। तो ऐसे में सरकार को हमारी नियमित भर्ती जो की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए ताकि जनता को जो सही स्वास्थ्य है वो मिल सके, हम भी सही ढंग से उनकी सेवा कर सकें और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको RCH वालों को उनकी बड़ी तरीके से भर्ती हुई है उनको रेगुलर किया जाए। सेंटर की नर्सिज हैं उनका जो नोमिक्लेचर है अभी चेंज किया है, स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट बनाई गई है, नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दिया गया है। तो वहाँ से शुरू होकर जितने भी हमारी पोस्टें हैं उनका अलग अलग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है और अपना चीफ नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग जो भी INC के नियम बता रहे हैं, INC के रूल है वो सभी हरियाणा के सारे नर्सिंग स्कूलों में, नर्सिंग हॉस्पिटल्स जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर वो नोमिक्लेचर हमारा किया जाए, ये आज हमारी पुरजोर मांग है पूरे हरियाणा प्रांत से ही। अम्बाला के बरनाला गांव में पंचायत में महिला व युवक की सरेआम पिटाई करने और गले में जूतों का हार डालने के मामले में मीडिया द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद उसका असर दिखाई दिया और दबाव में अम्बाला पुलिस ने इस मामले में नामजद 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार करने की पुष्टि की और गांव के सरपंच को जांच में शामिल करवाया। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जहां से अदालत ने 3 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 1 दिन का नोटिस कर दिया, यानी इस मामले पर कल भी सुनवाई होगी। देखिए, घटना का संज्ञान हमने लिया है जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन भी हमने कंप्लेनेंट को अप्रोच किया था बट उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाई थी। उसके उपरांत उन्होंने जो शिकायत दी उसकी मैंने स्वयं जांच की थी और मेरे द्वारा ही उसके में आदेश दिए गए हैं कि इसमें FIR दर्ज की जाए और उसमें FIR दर्ज करके उन्होंने एक CD दी थी
और सीडी को बहुत कम से कम समय में हमने उसको एग्जामिन किया है, और एग्जामिन करके जो लोग उन्होंने एफआईआर में नाम लिखवाए थे, 4 लोगों का उन्होंने नाम लिखा था कंप्लेनेंट ने, और उसमें से 3 हम गिरफ्तार कर चुके हैं जिनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है, और 4th व्यक्ति को शामिल जाँच किया जा रहा है और उससे पूछताछ जारी है। तो उसके अलावा भी फुटेज का एग्जामिन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए गाँव में जब इस तरह की घटना घटती है तो कुछ लोग दाएं बाएं खड़े होते हैं, लेकिन उनकी इस मामले में कितनी संलिप्तता है ये तो जो कंप्लेनेंट है और मौके पे मौजूद अन्य लोग हैं उन सबसे बातचीत करके पूछताछ पे आएगा। और इसमें एक बात जो कही गई है कि पुलिस के पार्ट पर कुछ इसमें नेग्लिजेंसी रही है, तो मैं इसमें थोड़ी अपनी तरफ से ये बात कहना चाहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं की गई है। जिस दिन इंसिडेंट हुआ था कंप्लेनेंट को अप्रोच किया गया था, उनसे बात की गई थी, पर उन्होंने अपने अप्रियारी रीजन से ये कहा था कि मैं इसके बारे में लिखित शिकायत स्वयं पेश करूंगा, और उसके उपरांत जब उन्होंने लिखित शिकायत दी तो इसकी एक जीओ द्वारा जांच, एक गैजेटेड ऑफिसर द्वारा उसकी जांच कराई गई, और जांच में जितने भी लोगों के उन्होंने नाम दिए हैं खुद उन्होंने थाने में कंप्लेंट दी है, और उसी अधिकारी की उसके ऊपर फिर ये कार्रवाई हुई है। सीडी उन्होंने जो दी थी सीडी की जांच की गई है, सीडी में जितने लोगों के उनके एलिगेशन लगाए उनको हमने एफआईआर में बाय नेम तो अरेस्ट कर ही लिए हैं, और अभी भी हम ये कहते हैं कि जितने भी लोगों का इसमें रोल होगा किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, और ये एक दुखद घटना है, और हम उम्मीद करते हैं ऐसी कोई घटना दोबारा इस तरीके की घटित भी ना हो। जी बिल्कुल, गांव के सरपंच का अपना एक पक्ष था, हमने उसके पक्ष को भी चुना है क्योंकि गांव का सरपंच एक मौजूद व्यक्ति है, लोगों ने उन्हें चुना है। इसके अलावा विक्टिम भी है, पर विक्टिम की बात भी जायज़ है, इसलिए दोनों पहलुओं को देखा जा रहा है, उनको शामिल जांच किया गया है। अभी हमने उनको कोई क्लीन चिट नहीं दी है और उनके मामले को हम परख रहे हैं। सीडी में उनकी क्या संलिप्तता है वो हमारे एक्सपर्ट जाँच कर रहे हैं, और उसमें जिस तरह की बात उनके एक्ट्स अगर उसमें किसी तरह के सामने आ रहे हैं या आएंगे तो इसमें बिल्कुल निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अम्बाला के रामनगर इलाके में आज छत पर सोते हुए व्यक्ति की ईंट मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक छत पर अकेला सो रहा था और किसी ने सोते हुए उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे परिजन अस्पताल ले पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह इनको मैं 2:30 बजे रात को पता लगा किसी मतलब छत के ऊपर सो रहा था, किसी मतलब नाम पता ना मालूम नहीं, इसके मतलब सिर में पत्थर मार के इसका मर्डर किया है। ठीक है, मुकदमा दर्ज हो गया, 33 जारी है, 302 IPC। आम आदमी ब्रिगेड हरियाणा सदस्यों ने अम्बाला लोकसभा सीट से सांसद रतन लाल कटारिया के लापता होने के पर्चे पंचकुला जिला सचिवालय की दीवारों पर चिपकाए और वहां मौजूद लोगों को पर्चे बांटे। इतना ही नहीं, ब्रिगेड के सदस्यों ने सांसद रतन लाल कटारिया के लापता होने की शिकायत सीएम विंडो पर करने की बात भी कही। क्या नाम है साहब का? भाई जी मैं अमरपाल आ रही है, यमुनानगर से हूँ। अमरपाल, सांसद लापता के पोस्टर आप यहाँ बांट रहे हैं जी, सीएम विंडो को दिया है और जो भी लोग आपको मिल रहे हैं पर्चे बांट रहे हैं, क्या मामला क्या है, कैसे ये लापता हैं? मामला भाई ये है कि अम्बाला लोकसभा में 1280 गाँव पड़ते हैं और रतन लाल कटारिया जी को इतने भारी बहुमत से लोगों ने बनाया, क्योंकि हम ग्रामीण हैं, किसान के बेटे हैं। आज रतन लाल कटारिया जी कहाँ पर हैं? पिछले साल भी मैंने एक आवाज़ उठाई थी यमुनानगर में और यहाँ तक कहा था कि यदि रतनलाल कटारिया जी का कोई ऑफिस यमुनानगर में दिखाता है तो 1,00,000 रुपए मैं दूंगा उसको। इतनी बड़ी बात सुनने के बावजूद भी आज भी कटारिया जी का ऑफिस यमुनानगर में नहीं है, और ये देखते हुए हम अम्बाड़ा गए, आज यम पंचकूला में पहुंचे हैं, सीएम विंडो पर दी। चलो छुट्टी होने के कारण हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने आम जनता को जगाया है। तो मेन मतलब हमारा ये है कि ऐसे नेता को जनता के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बार बार ये कहता है कि हम समाज के सेवक हैं। तो पर्चे बांटे गए हैं, क्या किया आज का? पर्चे बांटने का तात्पर्य ये है कि
1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से आदिबद्री के लिए आता है इसको, तो 1000 करोड़ रुपया कहां पर दिया इन्होंने? आदिबद्री में तो कोई काम नहीं है, आप जाकर के देख लीजिएगा। ये कहते हैं कटारिया जी ने पंपलेट छपवाई पिछली बार, सारे पंपलेटों पे बात रखी कि भाई मैं चंडीगढ़ से रेलवे चलेगी, वो नारायणगढ़ से होती हुई, बिलासपुर से होती हुई जगाधरी यमुनानगर जाएगी, सहारनपुर जाएगी, कहां पर है वो रेलवे लाइन? कहीं पर जो वादे किए थे पूरे नहीं किए अभी तक, कोई वादा नहीं भाई जी, बिल्कुल कोई वादा नहीं। तो आज क्या कार्रवाई किस प्रकार की? कार्रवाई इस प्रकार की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि दक्षिण उत्तरी हरियाणा को आपने 2 MP दिए, एक राजकुमार सैनी जो जहर उगलता है कुरुक्षेत्र में बैठ करके, एक जातिवाद का जहर पैदा कर देता है, और दूसरा MP अंबाड़े को दिया, वो बेड की राजनीति करता है, बेडरूम में बैठ करके कहता है कि मैंने इन लोगों को इतना पैसा दिया, कहां पर है आखिरकार वो पैसा? तो कैसे ढूंढ रहे हैं आप इसको? हम जनता से पूछ रहे हैं कि कहां पर है कटारिया जी, कटारिया कहां पर है, कम से कम हमारे को मिलवाओ, हम कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं। जनता कुछ हमारे पंपलेट ले लेती है, कुछ नहीं लेती है, क्योंकि जनता मान चुकी है। कटारिया का निवास पंचकुला के MDC में है, क्या ऐसा प्रयास किया गया है कि उसके घर जाकर एक बार? आदरणीय भाई जी, हम आवास पे क्यों जाएंगे? आवास तो हर व्यक्ति का होता है, लेकिन वो 1280 गांव का एक नेता है, 1280 गांव का वो एक सेवक है, उसको सेवा करनी चाहिए, ना कि वो घर उसको बैठना चाहिए। ठीक है। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।